हेलो, नमस्ते बच्चों। आज आपका इंग्लिश ग्रामर का पीरियड है। इंग्लिश ग्रामर में हम लेसन 3, द टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंसेस, इसमें पढ़ा रहे हैं आपको कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक क्या होता है कि नेमिंग होता है पार्ट, और दूसरा डूइंग पार्ट होता है। नेमिंग में कोई भी बच्चा हो, जैसे यहाँ बॉय है, किसी का नाम हो या कोई भी थिंग हो, तो उसके बारे में हम क्या, ये क्या कर रहा है। द बॉय इज ईटिंग एन एप्पल। अब बॉय क्या कर रहा है, बॉय तो नेमिंग पार्ट हो गया, कर क्या रहा है, ईटिंग एन एप्पल। ईटिंग मीन्स खा रहा है, ये डूइंग पार्ट हो गया, डूइंग मीन्स करना। ठीक है, एक नेम और एक डूइंग। दिस सेंटेंस इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। अब पढ़ेंगे सेंटेंस। द बॉय इज द नेमिंग पार्ट, इट नेम्स समवन और समथिंग। सेकेंड इज ईटिंग एन एप्पल इज द डूइंग पार्ट। ईटिंग एन एप्पल ये डूइंग पार्ट है इसका, करने वाला, क्या कर रहा है। इट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग इज और डज, यानी कि जो काम इसमें कर रहा है। अब नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, नेमिंग पार्ट्स अलग है और डूइंग पार्ट्स अलग है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रीड द फॉलोइंग टू पार्ट्स ऑफ एवरी सेंटेंसेस। द डियर, डियर पता क्या होता है, हिरन। द डियर इज रनिंग फास्ट, क्या करता है, क्या कर रहा है वह, रनिंग यानी कि तेज दौड़ता है, उसके बारे में बताया गया है, तेज दौड़ना। डियर क्या है, नेमिंग पार्ट है। अब यहाँ द लॉयन, लॉयन नेमिंग पार्ट है। द लॉयन इज चेसिंग द डियर। द गर्ल लाइक्स नूडल्स, गर्ल नेमिंग पार्ट, लाइक्स पसंद करना, नूडल्स वो आपका डूइंग पार्ट है। द बॉय इज राइटिंग अ लेटर, बॉय नेमिंग पार्ट, राइटिंग अ लेटर डूइंग पार्ट। बर्ड्स नेमिंग, मेक नेस्ट करना, क्या बनाते हैं, नेस्ट बर्ड्स। रश्मि नेमिंग पार्ट इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। तो इससे आप समझ रहे हैं कि नेमिंग पार्ट को हमने अलग कर दिया और डूइंग पार्ट को अलग कर दिया, जब दोनों को जोड़ देते हैं तो वो एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। अब देखते हैं क्या दिया गया एक्सरसाइज में। अंडरलाइन द पर्सन और थिंग। पर्सन मीन्स कोई व्यक्ति, और या थिंग मीन्स चीज, चीज जो भी हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, वो नेमिंग पार्ट में आ जाती है। अंडरलाइन द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इन ईच सेंटेंस। इस सेंटेंस में जिसके बारे में बताया गया उसको अंडरलाइन करना है। द मून, मून नेमिंग पार्ट है। ठीक है, पर्सन्स या थिंग, थिंग है ना। द गार्डनर, अच्छा इसे सेंटेंस को पूरा रीड करते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, मून नेमिंग पार्ट है। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स एवरी डे, गार्डनर माली वाटर देता है प्लांट्स को प्रतिदिन, तो गार्डनर क्या है, पर्सन या थिंग, ये पर्सन है। राज, राज नेमिंग पार्ट्स है। ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। तो हमने अंडरलाइन किसको करना है, नेमिंग पर्सन को या थिंग को। प्रियंका, ये पर्सन है। प्रियंका वेक्स अप एट 6 o'clock, तो प्रियंका को अंडरलाइन किया। नेमिंग पार्ट हमेशा पहले आता है। ठीक है, अ कंप्यूटर इज अ ब्यूटीफुल मशीन, कंप्यूटर थिंग है, तो इसको अंडरलाइन किया। द सन राइजेस एवरी मॉर्निंग, सूरज हर रोज निकलता है। ठीक है, तो हमने नेमिंग पार्ट को यानी कि पर्सन या थिंग को अंडरलाइन किया। तो आपने इस सेंटेंसेस में इस तरह से अंडरलाइन करना है और रीड करना है। मैच द वर्ड्स इन अ विद द राइट वर्ड्स इन बी। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, फर्स्ट सेंटेंस हमें करके दिखा दिया गया है मैच करके। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन के बारे में क्या बताया, राइजेस इन द ईस्ट। अब दूसरा वर्ड्स पढ़ेंगे तो उसके साथ क्या मैच करेगा,
तो हम इसमें से चूज करेंगे. एन एंट हैज सिक्स लेग्स. एंट की कितनी लेग्स होती हैं? सिक्स. ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे. यानी ब्रेकफास्ट जो है दिन का पहला भोजन होता है. हेंस ले एग्स. हेंस क्या करती हैं? अंडे सेती हैं. संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. स्नेक लिव इन होल्स. स्नेक कहाँ रहते हैं? होल में. ट्राम्स, ट्राम्स होती है गाड़ी. ट्राम्स रन ऑन ट्रैक्स, ट्रैक पर चलती है. ग्रेप्स ग्रो ऑन वाइन्स. तो हमने सबकी मैचिंग कर दी. तो आपने इस तरह से ऐसे लिखकर मैच भी करना है या फिर आप सेंटेंस को सीधा भी लिख सकते हैं बनाकर. ठीक है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. ऐसे थोड़ा सा डैश डालेंगे उसके आगे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. एंड एंट लिखेंगे डैश डाल के फिर हैज सिक्स लेग्स लिखेंगे. इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे क्योंकि आपने नोटबुक में करना है. बुक्स सभी बच्चों के पास नहीं है. जिनके पास बुक्स हैं वो तो इंग्लिश ग्रामर का पेज नंबर 12 निकाल के बुक्स में भी कर सकते हैं और नोटबुक में तो सभी बच्चों को करना है. आपके पास बुक्स हैं तब भी करना है, नहीं है तब भी करना है क्योंकि पेज हम आपको भेज देते हैं. आप इसी में से देख के आप अपना वर्क डेली का डेली कंप्लीट कीजिए. ओके बाय.